सो वेलकम आरव अग्रवाल टू आवर महावीरा कोडिंग फैमिली। सो हम लोग अपना क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आरव, जो हम लोग का बहुत फेमस क्वेश्चन वो है कि तुमको कोडिंग क्यों अच्छा लगता है, व्हाई यू लाइक कोडिंग? सर, मुझे कोडिंग अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बड़े होके अच्छा अच्छा वेबसाइट बनाना है, अपना ऑन शॉपिंग एप्स बनाना है जिससे शॉप कर पाए अमेजोन के जितना फेमस हो। मतलब तुम अमेज़ॉन की तरह साइट बना के करोगे, उसमें सामान वामान से सेल करोगे ऐसा? हाँ, और नहीं तो ऐसे भी शायद जैसे गूगल, जिसमें सब लोग अपना आंसर्स खोज सकते हैं, या गेम्स। अच्छा, ये सब तो ऑलरेडी बन चुका है ना, अरब गूगल बन चुका है अमेज़ॉन। अब तुम बोलोगे मेरे को वैसे सेम टाइप का निकालना है, कोई दूसरा नया तुमको सोचना चाहिए ना, कोई एकदम ऐसा हटके जैसे कुछ बना ही ना हो, ऐसा कोई दिमाग में आइडिया है ऐसा कुछ? सर, मुझे अपना एक ऑनलाइन में एनिमल्स का शॉप जैसा कुछ खोलना है। अच्छा हाँ, ये थोड़ा ठीक है, एनिमल का शौक। अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। ओहो मैथ्स है, ओके। तो एक क्वेश्चन है मैथ्स का, ठीक आ रहा, सोच के बोलना। अगर 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ एप्पल, 100 ग्राम ऑफ एप्पल का प्राइस, 100 ग्राम ऑफ एप्पल का प्राइस अगर 50 रुपीज़ है, ठीक, 100 ग्राम ऑफ एप्पल का प्राइस 50 रुपीज़ है, ठीक, तो 10 ग्राम का कितना होगा? सर, फिफ्टी ग्राम का कितना होगा? अच्छा, नहीं, 100 ग्राम का एप्पल का टेन ग्राम प्राइस, का कितना होगा? सर, हाँ 5 रुपया। हाँ करेक्ट, 10 ग्राम का 5 रुपये। गुड आरव, नेक्स्ट क्वेश्चन आरव, तुमको बड़ा होके क्या बनना है? ऐसा है कि तुमको ये बड़ा होके बनना है ऐसा कुछ? हाँ, तो मुझे बड़े होके इंजीनियर बन। इंजीनियर बहुत टाइप का होता है, कंप्यूटर होता है, कोई सिविल इंजीनियर होता है। मतलब तुमको क्या, मतलब कुछ कंप्यूटर इंजीनियर बने कि सिविल इंजीनियर बने, कुछ बिल्डिंग विल्डिंग बनाना चाहोगे या फिर ऐसा कुछ? सर, कंप्यूटर। अच्छा ओके। अच्छा अरे, अब लास्ट टाइम जब दीदी दी थी तो वो वहाँ ट्रैफिक लाइट था, अब तुम दे रहे हो तो पैराशूट है, ठीक, तो ऐसे ही रूम में ऐसे ट्रैफिक लाइट एक था, पैराशूट, यही सब है क्या? सर, उस तरफ ट्रैफिक लाइट है, उस तरफ पैराशूट है। सर, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा फेवरेट कोडर कौन सा है रब? कि मतलब तुम थोड़ा, मतलब वेब बैच 6 में या 5 में या 4 में, कभी भी अगर किसी को देखे होगा तुमको उससे काइंड ऑफ अच्छा लगता है वैसे कुछ? हिमांशु भैया। अच्छा हाँ, हिमांशु भाई, हिमांशु से याद है। अच्छा हिमांशु को तुम पर्सनली जानते होगे आरफ, बहुत मिले भी होगे, खेले भी होगे उससे, बदमाशी करता है सर, क्या आरफ वो? आजकल तो बहुत तुम नहीं करते हो? वो तुमको बोला बोला कहते थे। बदमाशी क्या करता है अरे वो, जैसे मेरे को तो नहीं बताते वो क्या बदमाशी की है, तुम ही बता दो। सर, छेड़ता है, मतलब तुमको कभी कभी मुझे भी, सब लोग को। वो कभी कभी ऐसे इधर ऐसे काटते हैं तो बहुत जोर लगता है, मतलब वैसा। मेरे को नहीं काटते कभी, ठीक है, हम भी कटवाएंगे कभी हिमांशु से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आरव, जैसे दीदी से मेरे को पता चला, जैसे सुने कि तुम दीदी को बोले कि मैं आपके साथ कंपटीशन नहीं कर पाऊंगा, यू आर मोर अहेड देन मी, ऐसा करिए कुछ, सच था क्या? हाँ सर, वो तो खाली मजाक के लिए था। अच्छा, लेकिन दो दीदी को जो तुमको आता है वही तुम लोग को भी आता है, ऑलमोस्ट सेम है, बस दीदी थोड़ा जावास्क्रिप्ट सीख रही है, तुम अभी जस्ट बच्चे हो ना, थोड़े से तो हो तुम, देखो इतने से हो तुम, ठीक, अभी थोड़े बड़े हो गए तो हो जाओगे, ठीक आ रहे हो तुम। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, फेवरेट फूड क्या है तुम्हारा? फेवरेट फूड बोले तो पिज्जा है, नहीं तो अगर आप वेस्टर्न फूड में बोल रहे तो पिज्जा, नहीं तो इंडियन फूड में काली दाल और नान। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, तुम्हारा स्टडिंग आवर्स कितना है, मतलब कितना देर पढ़ते हो वैसे? सर, जब एग्जाम्स का, मतलब एग्जाम्स के पहले 1 महीना में
सजूंगा वो मान लीजिए 3-4 घंटा, नहीं तो मैं ऐसे ही 1-2 घंटा ही पढ़ता हूँ। मतलब मेरा तो, मैं जब स्कूल से आता हूँ तब पूरा दिन होमवर्क में लग जाता है, तो मुझे हार्डली कोई लर्निंग वर्क का टाइम मिलता है। लर्निंग वर्क का टाइम खाली सैटरडे और संडे को मिलता है, नहीं तो पूरा वीक ओके होमवर्क ही करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा भी है तुमसे कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? सर मेरे स्कूल में है एक जन मनन केदिया, वो है। तो मीन्स तुम्हारे सेक्शन में वो? नहीं मेरे काकुल में जाते हैं, बट मेरे ही क्लास में, पर सेक्शन अलग है। सर तो को तुम्हारे कोई सेक्शन में नहीं है फ्रेंड? सेक्शन चेंज होता है ना, पर काकुल एक ही रहता है। अच्छा ठीक हम लोग नर्सरी, मैं नर्सरी से हूँ ना काकुल में, वो भी नर्सरी से है। है। तो तुम लोग दोनों पढ़ाई में अच्छा कौन है, मनन और तुम्हें? सर मेरे से तो अच्छा मनन है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में मुझे 80% मिला, उसको 88% मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा तुमसे ये है, तुमको जैसे अगर एक ऐसे मीन्स इमेजिनरी क्वेश्चन ऐसे कुछ है, अगर तुमको टाइम मशीन से पास्ट में जाने मिला, ठीक, तुमको टाइम मशीन में भेज के अगर कोई पास्ट में भेजा, तुम पास्ट में जाके क्या करोगे और क्या मतलब कहाँ जाओगे पास्ट में और क्या करोगे? सर मैं टाइम मशीन से प्रॉबेबली कोई अच्छा मोमेंट में जाऊंगा, जैसे जैसे मेरे फ्रेंड्स के साथ कोई अच्छा मोमेंट हुआ हो, या कहीं एक साथ खेलने गए हो। क्योंकि अगर मैं पास्ट का कुछ ठीक करूंगा तो लगेगा कि मैं चीट किया हूँ। मेरे साथ नहीं आओगे आ रहे हो खेलने, बोल देते आपके साथ आते आ रहे हो, ठीक है कोई बात सर पर आपसे तो कहीं मिला ही नहीं हूँ, मतलब पास्ट में, तो पास्ट में जाने हैं मुझे। नहीं। वाह वेरी गुड। अच्छा पास्ट का मतलब ये भी होता है अरे कि 1 मिनट भी पास्ट है तुम्हारा, 1 दिन भी पास्ट है। हम बस पास्ट बोलिए नहीं, तुम 1 साल 2 साल 3 साल उसको भी पास्ट बोलते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम से जो 1 सेकंड भी दे रहे हैं वो भी हम लोग का पास्ट ही होता है। अच्छा एनीवे लास्ट क्वेश्चन आ रहा, तुम्हारे क्लास में ठीक एज अ गर्ल कोई तुमको फ्रेंड जिससे तुम अच्छे से बात करते हो, ऐसा कोई? तो मेरा स्कूल खाली बॉयज स्कूल है। सर सिर्फ बॉयज स्कूल है तुम्हारा? अच्छा, और अच्छा तुम दीदी के स्कूल में गए हो क्या कभी? स्पोर्ट्स डे के लिए गया हूँ, या तो पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए एक बार गया हूँ। अच्छा एक बात तो आरव, जैसे तुम दीदी एमबीडब्ल्यू में तुम आदित्य बिरला में हो ना? नहीं सर, बिल्ला हाई स्कूल। हाँ वही बिरला हाई स्कूल। तो तुम मम्मी को नहीं बोले कि मम्मी मेरे को भी एमबीडब्ल्यू में जाना है, या फिर दीदी नहीं बोले कि मेरे को भी आदित्य बिरला में जाना है, ऐसा कुछ? सर मैं बोलता हूँ, पर दीदी तो नहीं बोलती क्योंकि मेरा बॉयज स्कूल ही है। पर कुछ कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज दोनों स्कूल में। पर मुझे तो दीदी के स्कूल में जाना है, क्योंकि दीदी के स्कूल में बिल्डिंग से 6 जन है, और 6 दीदी की फ्रेंड है। पर मेरे स्कूल में एक भी जन नहीं है, एक जन है जो क्लास नर्सरी में है, उसके साथ मैं क्या करूंगा। हाँ वो भी फ्रेंड है, सही इसलिए सही। मैं अच्छा ओके यार, ऐसे क्या और पूछने का मुझे मन है थोड़ा, रुको थोड़ा एक दो क्वेश्चन और पूछेंगे फिर खत्म करेंगे। अच्छा एक बात और अभी है, तुम्हें चेस आता है क्या? सर चेस मैं खेलता हूँ, पर ऐसे नहीं खेलता कि डेली बेसिस पे। सर चेस कैसे खेलते हो और फिर कहाँ खेलते हो, मतलब ऑनलाइन में कि फिजिकल फॉर्म में? जब कोई और होता है तब फिजिकल, नहीं तो मैं ऑनलाइन खेलता हूँ, क्योंकि फिजिकल में गोती कोई कोई अवेलेबल ही नहीं रहता कोई घर पे। अच्छा हाँ एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये मेरे को याद आया, एक जनरली भाई बहन में होता है, क्या तुम दीदी से झगड़ा करते हो? हाँ सर सब लोग ही बहुत करते। हाँ बहुत, मतलब दीदी फिर मारती भी है तुमको? हाँ अगर मैं एक झापड़ मारूंगा तो दीदी मुझे 10 झापड़ देगी गिन के। नहीं तो गाल पे भी और कहीं पर भी? अच्छा सर गाल से कभी नहीं अलाउड है हमको। अच्छा अरे तुम रोए हो क्या कभी? हाँ मेरे को देखना है तुम रोते हो कैसे लगते हो, बट ठीक है हम कभी और देख लेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, ये प्रोबेबली हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे अपने रैपिड फायर। अच्छा एक बात, तुम क्या घुमा रहे हो अरे हाथ में कब से ऐसे ऐसे? अच्छा सर क्ले है। क्लियर ओके। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है,
कोडिंग के अलावा तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे मैं मेरे को दो चीज वॉलीबॉल, ऑलरेडी पता है, ड्राइंग और तुम्हारी स्केटिंग, उसके अलावा कुछ? हाँ सर मैं वॉलीबॉल भी खेलता हूँ, बैडमिंटन भी खेलता हूँ। ओके हाँ, एक क्वेश्चन और याद आया रहा। तुम्हारा कोडिंग करने का प्रैक्टिस तुम शेयर करना चाहोगे हम लोग के स्टूडेंट के साथ? तुम कोडिंग कैसे प्रैक्टिस करते हो कि ताकि हेल्प मिल जाए? जैसे हाँ हम लोग जो सर, असाइनमेंट देते हैं वो तो करते हो, उसके अलावा और क्या प्रैक्टिस करते हो तुम? जैसे मैं अभी अपना वेबसाइट बना रहा हूँ, क्योंकि वैसे फिर मुझे प्रैक्टिस भी हो जाता है उसमें। सारा जो आप CSS का सारा डेकोरेशन बताते हैं, मैं सब उसमें ट्राई करता हूँ ऐड करने का। अच्छा ओके गुड आर। एंड फाइनली हम एंड करते हैं लाल, बस एक तो हम लोग को तुमसे एडवाइस देना है। तुम्हारे से कुछ जूनियर कोडर भी है? जूनियर कोडर मींस जो अभी अभी जस्ट हम लोग वेब बैच में ज्वाइन हुए उसको भी जूनियर बोलेंगे ठीक, या फिर तुमसे सीनियर कोडर भी है जो ऑलरेडी वेब बैच में ज्वाइन हो चुके हैं? हम यहाँ पर एज से सेग्रीगेट नहीं करे आ रहे, हम यहाँ पर कोडिंग से सेग्रीगेट करें, जो कोडिंग में न्यू आए और जो कोडिंग में पुराना है। तुम लोग कुछ एडवाइस देना सर चाहोगे कि कोडिंग क्या है, कोडिंग कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, कोडिंग कैसे कंटिन्यू करना चाहिए, तुम शेयर कर सकते हो, बोलो। मैं तो बोलता हूँ कि कोडिंग अराउंड आधा एक घंटा, एक दिन, या अगर ट्राई कर पाओ तो 2 घंटा 2 दिन में, क्योंकि उससे अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है। जैसे हम लोग का खाली सैटरडे और संडे क्लास होता है, तो उसके बीच में 5 दिन का गैप रहता है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। हाँ गुड आर। एंड फाइनली हम लोग एक और क्वेश्चन से खत्म करेंगे यार। तुम बस ये बताओ कि तुमको महावीरा कोडिंग क्लासेस का सपोर्ट कैसा लगा? तुम महावीरा कोडिंग क्लासेस क्या बोलना चाहोगे, अपने व्यू उपयुक्त करो। सर, महावीरा कोडिंग क्लासेस तो बेस्ट क्लासेस है, क्योंकि पहले मैं जो भी ट्रायल राउंड लिया हूँ कोडिंग का, एकदम ऐसे नहीं थे, मतलब मेरे लिए बहुत फॉर्मल थे, पर ये थोड़ा जैसे इनफॉर्मल है। जैसे व्हाइट हैट जूनियर, मतलब मतलब फॉर्मल राउंड कैसे था? फॉर्मल था मतलब? मतलब सर ऐसे हंसी मजाक नहीं होता, जैसे अच्छा इधर मजा आता है कोडिंग करने में, इधर ऐसा लग रहा है कि कोई प्रेशर दे रहा है यहाँ ऐसे। ओके okay. ये सीखने को मिला और मेरे हाँ भारत मेरे हाँ को ठीक है। सो फिर हम लोग अपना क्वेश्चन सीरीज एंड करते हैं आरव, बहुत मजा आया तुमसे मिलके। ओके आरव बाय, टेक केयर, सो जाओ अब, तुम स्कूल से आए हो थक गए हो।